नमस्ते कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। कर्क लग्न के लिए सितंबर 2023 कैसा रहे? देखिए थोड़ा सा अगस्त की तरफ चलते हैं, 10 जुलाई से 5 अगस्त की तरफ। एक ऐसा मौका है आपको कि भाई बहन के साथ के रिश्ते आप मजबूत बना पाएंगे। 10 जुलाई से 5 अगस्त में वो आपने देखा ही होगा। अभी जो अगस्त से 6 अगस्त से आपके स्टार आपकी दूसरी तरह से मदद करने लगे, और ये महीने का जो हेडिंग है मेरा वो है चांसेस फॉर परचेस ऑफ न्यू कार और हाउस। हो सकता है बहुत वक्त से अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ये अगस्त और सितंबर में, 6 अगस्त के बाद, अगस्त और सितंबर, वो भी 3 अक्टूबर के पहले पूरी कोशिश करो कि आपका घर या कार। बहुत समय से हो सकता है कि आपका स्पाउस आपको इंसिस्ट करता हो, आपके पति या पत्नी, और आप कैंसरियन है तो ज़्यादातर ये अगर फीमेल हो तो बहुत अच्छा है। और ये महीना भी आपके लिए मैंने ऐसा लिखा है, घर पे बहुत खुशियों का माहौल होगा। जो भी होगा, कोई हो सकता है बहुत अच्छा, अगर आपका कुंडली दमदार है तो आपके घर में कुछ ना कुछ सोशल फंक्शन भी हो जाएगा ये समय में, यानी कि अगस्त और सितंबर में। और घर पे एकदम खुशियों का माहौल होगा, मामा से डिस्टेंस आप बहुत हद तक कम भी कर पाए होंगे अपने। और दिस इज द टाइम टू प्लान योर ओल्ड एज, आपके ओल्ड एज को आप प्लान करें। बहुत बढ़िया समय से गुजर रहे हैं आप अभी इस वक्त। अभी देखें, मैं हमेशा के हिसाब से बताता हूँ आपको, केयरफुल की तारीख बता रहा हूँ, इसको कहीं ना कहीं मार्क करके रखो। अब डेट वाइज बताता हूँ तो आप थोड़ा डीपली जाने की कोशिश करेंगे उसमें। डेट वाइज में देखिए, 1 तारीख और 2 तारीख कोई ट्रैवलिंग का टाइम है। 1 और 2 तारीख हो सकता है आपकी उम्र मेरे से अगर 5, 7, 10 साल बड़ी है तो इससे टाइम 1 और 2 तारीख आपके ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि संतान के संतान, बच्चों के बच्चे के साथ एंजॉय करने का टाइम। दिस इज द टाइम यू विल फाउंड योर सेल्फ अ वेरी लकी। 1 और 2 तारीख आपके लिए लकी, रिलीजियस, ऐसा सब रहे। अब 3, 4 तारीख, 5 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक का टाइम, दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए तो कोई जॉब का ऑफर भी आ जाएगा इसमें। 3 और 4 को बेस्ट है देखिए जॉबलेस लोगों के लिए, और वो तो मैंने 7 तक लिखा है, पर्टिकुलरली 3 और 4 तो द बेस्ट है। अगर आप जॉबलेस है तो, अगर आपको कहीं आपके बॉस के पास जाके किसी का कहीं काम में सुविधा लाना चाहते हैं, बॉस के कहीं ध्यान देना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। और अगर आपका बिजनेस है तो बहुत बड़ी मीटिंग होगी आपकी, 3, 4 और 5 बजे, दोपहर को 3 बजे तक करने की कोशिश करिएगा। अब 5 तारीख को जैसे ही 3 बज गया, ये शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को ये टाइम है दोस्तों के साथ एंजॉय करने का, 5, 6, 7। 5 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद आप बोलेंगे शेयर बाजार बंद हो जाता है, बंद भले हो जाता है, आप कोई चीज उसके रेफर करें, किताबें पढ़ें पहले, ये देखिए किताबों से ही आपको आइडिया का कल क्या करना है, वो स्ट्रेटेजी आप कर पाएंगे 5, 6 और 7 को। 7 तारीख को 11 बजे तक बढ़िया टाइम है, और 5, 6, 7 को चंद्र शुक्र का परिवर्तन योग हो रहा है, ये राजयोग है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा आपका काम हो जाए 5, 6, 7 को, 5, 6, 7 बहुत चमत्कारी रहेगा। देखिए जो प्यार करते हैं उनके लिए भी रोमांटिक टाइम भी है, चंद्र शुक्र का परिवर्तन है तो 5, 6, 7 देखिए इनके लिए भी काम का है, और शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए भी मैंने बताया आपको। 7 तारीख, 5, 6, 7, 7 तारीख को दोपहर रात को 3, 11 बजे तक, 23 तक तो बेस्ट टाइम है। कुछ प्रॉपर्टी का भी कुछ काम रहेगा अधूरा, कोई प्रॉपर्टी में जो ये घर लेने के लिए कुछ बेचना चाहते हो या कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ये बेस्ट टाइम है 5, 6, 7। आपका तारीख है 8 और 9, ये सबसे पहला इस महीने का केयरफुल रहने का टाइम है। कोई भी रॉन्ग डिसीजन आपके गले आएगा, गले आएगा मतलब जबरदस्ती कोई बोलेगा करो करो, आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र भी चालू होगा, तो पैसा वापरने का टाइम है ये, और बेवकूफ बनने का टाइम 8 और 9। इसका उपाय एक ही है, कोई शिव मंदिर है तो वहां चले जाइएगा, जलाभिषेक कर दीजिएगा शंकर भगवान को सुबह सुबह, दोपहर को 12 के पहले करिएगा 8 और 9 को। और 10 तारीख को सुबह 10:30 बजे तक यही पोजीशन रहेगा, आज में 10 तारीख को 10:30 बजे के बाद चित्र बदलने लग जाएगा सुबह, या तो फिर टेरेस बालकनी या गैलरी में बाउल रखिएगा पानी पीने के लिए। और 8 और 9 तारीख को स्ट्रेस तो रहेगा, आज कोई एनजीओ जैसे आप निकले घर से कोई फूड पैकेट दे दीजिएगा पुअर पीपल को, पुअर कोई पर्सन है चाहे 10-15 रुपए का ही फूड पैकेट हो। 8 और 9 तारीख को पैसा खर्च हो जाएगा आपकी मर्जी के बगैर, मर्जी नहीं होगी तो भी खर्च होगा,
और बिना मर्जी के खर्च होना मतलब वो स्ट्रेसफुल मनी है, उससे बेटर है कि कोई एक आध फूड पैकेट अगर आप दे देते हो कोई पुअर पर्सन को, 8 और 9 को, तो ये थोड़ा कम हो जाएगा ये जो दुख है आपके ऊपर। 10 तारीख को 10 बजे से 11 तारीख और 12 तारीख, पूरा दिन 12 तारीख आप रिवाइज करेंगे आप कहाँ गलत हो रहे हैं। दिस इज द टाइम फॉर योर सेल्फ। जो मैंने आपको दोस्तों के साथ टाइम बोला 5-6 तारीख, ये 10 और 11 तारीख, 10 तारीख को 10 बजे के बाद का, 11 और 12 तारीख ये टाइम है आपका अपने लिए टू रिवाइज योर सेल्फ, अपनी कहाँ कहाँ गलतियां हो रही है। बहुत ओवर सेंसिटिव भी हुए होंगे क्योंकि चंद्र शुक्र का युति भी 12 तारीख को है, रोमांटिक बहुत हुए होंगे तो जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए सब तारीख अच्छा है। 12 तारीख मैंने लिखा ही है, 12 और 26 ये चंद्र शुक्र का युति हुआ है आपके लग्न में, यानी कि ये दिन हो सकता है लॉन्ग ड्राइव पे जाएं आप बीवी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, ये टाइम बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब 12 तारीख को रात को 11 बजे से टाइम फिर बदल रहा है, 13 और 14 इस महीने का तूफान पैसे की बारिश होने का समय है। किसी से पैसा मांग के देखते हो, ज्योतिष अजमाना हो तो 13 और 14 तारीख को अजमाइएगा, फाइनेंस के लिए बेस्ट है 13 और 14। किसी से भी पैसा मांगेंगे तो पैसा आना चाहिए। 13 और 14 आपका पूरा फैमिली एकत्रित हुआ होगा, ज्यादातर भले अमावस के करीब है फिर भी बोल रहा हूं, पूरा फैमिली एकत्रित हुआ होगा। 13 तारीख को ही कर लीजिएगा क्योंकि बाद में तो अमावस्या का भी बहुत सारा इफेक्ट शुरू हो जाएगा 14 तारीख से। तो पैसा मांगना हो तो 13 तारीख को मांग लीजिएगा, 12 तारीख को रात को 11 बजे के बाद का टाइम बढ़िया रहेगा 13 तारीख तक। अभी 15 तारीख को दोपहर को 11:30 बजे के बाद, उसके पहले हो जाना चाहिए बहुत सारा काम फाइनेंशियली, बहुत फूड फैमिली और फाइनेंस ये तीनों तीन एंजॉय करेंगे इस तीनों में आप 12, 13 और 14, 12 को रात के बदले 13, 14 और 15 को। तो 15 तारीख को दोपहर को 11:30 के बजे के बाद कोई अगर भाई बहनों के साथ कोई गिले शिकवे कर रखे आपने, यानी कि ज्यादातर यू आर ओवर सेंसिटिव, इसका भी ध्यान रखेंगे, इसका भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी इनजस्टिस हो जाता है आपसे, बहुत यू आर ओवर सेंसिटिव, ओवर थिंकर, तो ये दिन है आपका 15, 16 और 17 भाई बहनों को परस्यू करें, और कोई सोशल सोसाइटी का मीटिंग मीटिंग हो तो उसमें भी आपको हो सकता है जाना पड़े। ये टाइम है आपका कम्युनिकेशन पावर आपको बढ़ता हुआ दिखाई भी देगा 15, 16, 17 को। अब 17 तारीख को रात को 11 बजे के बाद फिर चित्र बदल रहा है, हैप्पी एट होम, जो घर पे खुशियों का हो सकता है, अच्छा भला घर हो तो घर में फर्नीचर हो जाएगा, नहीं तो घर होगा कार होगा। ये जो 18-19 तारीख है ये मन के अंदर अजब शांति का अनुभव, ओल्ड एज का प्लानिंग, रोमांटिक टाइम है घर के लिए, घर के लिए मतलब घर के अंदर कुछ ना कुछ खुशियों का माहौल 18-19 सितंबर आप पाएंगे। अब 20 और 21 तारीख है 22 तारीख तक, ये कुछ आइडिया आप क्लिक करेंगे 20, 21, 22 को, कोई आइडिया क्लिक करेंगे उसमें काम नहीं कर पाएंगे लेकिन आइडिया कुछ आएगा आपको। ये टाइम है बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने का, जिसको प्यार करते हैं उनके लिए भी स्पेयर करें 20, 21, 22 22 तारीख को दोपहर को 3:30 के बाद आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का फिर से टाइम हो गया। ये देखिए 22 तारीख से 24 तारीख, इसको कैलेंडर पे मार्क करिएगा ये तारीख को, ये सभी तारीख को सबसे रॉन्ग डिसीजन का तारीख है 8, 9, 22, 23, 24 को आपके लिए हो सकता है बहुत ओवर कोई कोल्ड वाटर पी लिया हो आपने, ठंडा पानी पी लिया हो या कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया हो उसकी वजह से तकलीफ हो सकता है। 22, 23, 24 अवॉइड करिएगा कोल्ड को, ऐसे भी आपकी प्रकृति शीत प्रकृति है, कोल्ड और सब अवॉइड करिएगा 22, 23 और 24 तारीख को। अब 24 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद दोज़ हु आर मैरिड वो अपने स्पाउस के साथ का एक अच्छा समय बिताने की शुरुआत करेंगे 24, 25 और 26 तारीख 8:30 बजे तक। जनरली देखिए आपका जो स्पाउस है पति या पत्नी ये वर्क होली है, बहुत बार तो इंजीनियरिंग या बहुत छुट्टियां कम ले ऐसा और काम का पूरा प्रेशर लेकर जीने वाला, और आप है जो सिर्फ बातों से ही खुश होने वाली पर्सनालिटी, तो ये रोमांटिक दिन है मैरिज लाइफ के लिए भी 24, 25 और 26 तारीख को 8:30 बजे तक का टाइम, उसका एडवांटेज लीजिएगा। बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो आपके पार्टनर के साथ का जो गिला शिकवा है समझो, ये तो आप 25 और 26 तारीख तो बेस्ट है। अब आगे चलते हैं 27 तारीख को रात को 8:30 बजे के बाद, यानी कि 27 और 28 तारीख
8:30 बजे तक 28 तारीख तक का, ये भी नेगेटिव है। आप स्ट्रेस में रहेंगे 27 और 28, स्ट्रेसफुल टाइम है। दिस इज द टाइम यू विल फील स्ट्रेस। कोई ना कोई अगर जो आप मंदिर में जाएंगे इस दिन में 27 और 28 को, बहुत अच्छा है। शिव मंदिर में जाएंगे तो बहुत अच्छा है। किसी को शरबत पिलाओ, आप पीना मत, कोल्ड ड्रिंक्स किसी को पिलाओ, शरबत पिलाओ 27 28 को। ये स्ट्रेसफुल टाइम है आपके लिए। मंदिर से होकर ही जॉब पर जाइएगा, ये सजेशन है जो भी बिजनेस करते हैं जॉब करते हैं उसके लिए। अब 28 तारीख को रात को 8:30 बजे के बाद आपका काम क्लियर होने लग जाएगा, यानी कि 29 और 30 तारीख आपके लिए कोई ट्रैवलिंग का टाइम है, कोई नई आइडिया भी क्लिक करेंगे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ एंजॉय करते हुए आप अपने आप को पाएंगे। देखिए जो अभी जो टाइम चल रहा है, ये वीडियो जब आपको मिलेगा तभी आपके भाई बहन के साथ के रिलेशंस को इम्प्रूव करने के चक्कर में होंगे आप, और वो 5 अगस्त तक मजबूत कर लीजिएगा, मौका भी मिलेगा। अब जैसे ही अगस्त हो गया शुरू, यानी कि ये आपके लिए अगस्त हो जाएगा, देखिए 6 अगस्त से सितंबर महीना, अगस्त महीना, ये घर में खुशियों का माहौल हो जाएगा। नया घर, कार खरीदने का टाइम, ये दिनों को एक्सेप्शन रखिएगा, कैलेंडर से मार्क करिएगा। अब इसको देखें, जॉब के लिए 3 से 7 बेस्ट है, उसमें भी मैंने जो बोला आपको कि 3 से 7 बेस्ट है, उसमें भी मैंने आपको 3 और 4 द बेस्ट बोला है। 3 और 4 अगर इंटरव्यू का तारीख है तो आपका 5 तारीख को 3 बजे के पहले ये मिल जाना चाहिए। पूरी कोशिश करें इफ यू आर जॉबलेस, बॉस के पास जाकर कुछ आपका कुछ प्रोजेक्ट वोजेक्ट रखना है, कुछ प्रोफाइल्स को कहीं कुछ करना है, काम करना है, तो ये तारीख बेस्ट है। बिजनेस के लिए यस, टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। कर्मस्थान में गुरु राहु है, अपने ज्ञान के लिए बढ़िया टाइम है आपका, इंटेलेक्चुअल नॉलेज के लिए बढ़िया टाइम है। कर्मस्थान का गुरु राहु का योग है, लव करते हैं उनके लिए 5 से 7 और 12 और 26, 12 और 26 इसके लिए क्योंकि ये चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है, बहुत मस्त। और 5 6 7 इसके लिए कि लग्ने आपका लग्नेश और लाभेश का परिवर्तन हुआ, बहुत बढ़िया टाइम है ये भी। और 18 19 भी आप समझ सकते हो क्योंकि लग्नेश और चतुर्देश का परिवर्तन, ये भी बड़ा बेस्ट है। तो ये सब तारीख लगने 18 19 भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो 18 और 19 भी। अब देखें दिन रोमांटिक बीतेगा जरूर, अब वो आप पर डिपेंड है कि आप क्या कर रहे हैं। पंचमेश आपके त्रुटि में है, लव और नेबर ये भी बढ़िया कॉम्बिनेशन में है, तो ये सब तारीख को बराबर याद रखिएगा प्रपोज करना हो तो। मैरिज के लिए अभी कोई टाइम नहीं है, आप प्रपोज करके रखें, टाइम लगेगा इस बात विवाह के तक जाने के लिए। स्टूडेंट के लिए 1 और 2 तारीख 20 21 28 29 अच्छा है। 1 और 2 को मीन राशि का चंद्र है, हायर स्टडी के लिए अच्छा है, जो लोग 12वीं के आगे पढ़ रहे हैं उनके लिए 1 और 2 तारीख बेस्ट है। 20 21 कोई नई आइडिया आएगी क्लिक करेंगे आप, उस पर काम करो, उसको छोड़ मत दो, जनरली आप चंचलता करते हैं। 20 21 और 28 29 को वापस हायर एजुकेशन में जो पढ़ते हैं स्टूडेंट उनके लिए बेस्ट है। शेयर मार्केट के लिए 5 6 7 बेस्ट है, 5 6 7 क्योंकि आप 5 6 7 में आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज करेंगे, वो शेयर मार्केट से रिलेटेड हो कहीं और रिलेटेड हो, 5 6 7 मिरेकल साबित होगा। और हाथ में बहुत बड़ा पैसा जो मैंने बोला आपको 13 और 14 तारीख को आए हैं। अगर आप ज्योतिष को आजमाना चाहते हैं तो मांग कर देखिएगा 13 और 14 को, आप जो आंकड़ा मांगेंगे इससे भले थोड़ा कम ज्यादा आएगा लेकिन हाथ में पैसा आएगा। इन शॉर्ट देखिए लग्न का शुक्र आपको, आपके पास समझो पैसा नहीं है, बहुत लोअर बहुत बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, तो ये वाहन योग हो सकता है किसी दोस्त की कार में जाने को मिल जाए वो आपको, और वो भी आपको चंद्र शुक्र का परिवर्तन है 5 6 7 में मिल सकता है, 6 या 7 तारीख को ये शुक्र की बदौलत। शुक्र लग्न में मतलब है सर टाइम, मौज का टाइम। वृषभ तुला और मीन जिंदगी जीते हैं ये तीन, तो मैं हमेशा बोलता हूँ दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वीनस इन द लग्न, वीनस का लग्न है ये आपके, तो लग्न में ही शुक्र आया है, तो ये 2 महीने में आपके आपको बहुत आनंद मिलेगा, अच्छा कपड़ा मिलेगा, अच्छा मतलब कहीं आप
हो सकता है बहुत अच्छा ड्रेस पहन के कहीं, हो सकता है बहुत बड़ा मीटिंग में मिल जाए आपको, ये सब अच्छा टाइम है, शुक्र की कृपा आप पर बरसेगी। यूज करिए परफ्यूम का ज्यादा, शुक्र की ताकत और बढ़े। व्हीकल खरीदने का और प्लान हो तो वो भी बढ़े आगे सूर्य धनस्थान में। फाइनेंस से रिलेटेड ही ज्यादातर मैंने आप लोगों को, किसी के हाथ के नीचे नौकरी करना थोड़ा टफ समझता हूं मैं आप लोगों का, दैट इज बिकॉज एक तो बहुत ओवर सेंसिटिव है, ज्यादा उसूलों के पक्के बनने की वजह से होता है, और ये सूर्य धनस्थान में फाइनेंस वाला कारक, तो ये सूर्य आया ही है धनस्थान, तो बढ़िया टाइम है आपके लिए। अभी आपका परिवार अपने रुबाब में है, आपके पत्नी का परिवार अपने रुबाब में है, 17 अगस्त से 16 सितंबर तक आप ये चीज महसूस करेंगे कि आपका परिवार अपना सम्मान चाहता है और आपके पत्नी का परिवार या पति का परिवार अपना सम्मान चाहता है, इनके बीच में थोड़ा स्ट्रेस अनुभव करेंगे आप 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में, 16 सितंबर के बीच में। देखिए स्पाउस आपका कर्म प्रधान व्यक्तित्व है, मतलब एक बार जो तय करेगा उसको पूरी ताकत से करेगा, अपने टारगेट की तरफ आगे बढ़ेगा, और आपकी तरह ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, आपको छोटी सी बात दिनों तक आप याद रख सकते हैं। ओवर सेंसिटिव पना आपका प्रॉब्लम है, वी रिमेंबर, थोड़ा ध्यान करें हमेशा फॉर एवर। बाकी देखिए ये केतु आपके चतुर्थ में है, ये हो सकता है घर से थोड़ा थोड़ा दूर रखे, ट्रैवलिंग कराए, ये केतु करता है, बट इस साल घर को लेने की कोशिश करो, इस साल इस महीने में अगस्त और सितंबर में पूरी कोशिश करो आप घर ले सको इसके लिए, और 3 अक्टूबर तक घर या कार ये फाइनल करेंगे, ये संपूर्ण संभावना है। तो ये अबाउट आपका लेखा जोखा, इसमें भी एक दो तीन चीज देखेंगे, ये गज केसरी योग की तारीख है, ये तारीख सब आपके लिए अच्छा है, ये एक भी बैड डे इसमें नहीं होगा 101%, क्योंकि ये गुरु यहाँ है, चंद्र यहाँ होगा तो ये काम अच्छा रहेगा, यानी कि किसी से फाइनेंस से रिलेटेड कामकाज है तो इस दिनों में आप आगे बढ़ सकते हैं। चंद्र शुक्र का रोमांटिक दिन है, उसका एडवांटेज लो किसी को प्रपोज करना हो तो, इस महीने में अमावस्या दर्शमावस्या 14 तारीख को, 14 या 15 तारीख को विष्णु सहस्रनाम करके बैते जल में नारियल बहाइएगा, 10th हाउस में राहु है आपके, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते रहिएगा, कुत्ते को खाना खिलाओ, घर में शांति बना रहेगा, ये 2 महीना तो शांति है, भगवान की कृपा है, और हो सकता है कोई घर पे सोशल फंक्शन ही हो जाए आपके, ये संभावना ज्यादा है अगस्त और सितंबर। 3 अक्टूबर तक टाइम अच्छा है, एडवांटेज लो। चतुर्थी 3 सितंबर 19 सितंबर चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी, इसमें 19 तारीख को चतुर्थी है गणेश चतुर्थी, अगर आपके कर्मस्थान में आप झगड़ पड़ते हैं, काम धंधे में बहुत चैलेंजेस आप अनुभव करते हैं, दैट इज बिकॉज योर बॉस इज वेरी डोमिनेटिंग, आपका बॉस बहुत डोमिनेटिंग सेल्फ ईगो पर्सन, सिर्फ अपनी ही बात करता है और ईगो पर्सन है, ये बहुत बार आप महसूस भी करते हैं, दैट इज एरिस साइन इन योर कर्मस्थान। तो ये दिनों में 3 तारीख 19 तारीख या 19 से 28 तक गाय को गुड़ खिलाते रहो और गणेश गायत्री मंत्र अथवा शीश गणेश सहस्त्रनाम ये करिएगा, अगर काम धंधे में आप ट्रबल फेस कर रहे हैं तो। मंगल योग कारक है, मतलब मैं बहुत बार आप लोगों को प्रॉपर्टी फाइनेंस का काम करते हुए देखता हूं, प्रॉपर्टी से फाइनेंस का, प्रॉपर्टी एडवाइजर का काम करते बहुत बार देखे हैं। अब देखें ये 19 से 28 तारीख तक हमारा पूरा बंबई तो गणेशमय हो ही जाएगा, यहां बोलना ही नहीं पड़ेगा 19 सितंबर से 28 सितंबर तक में कि गणेश उत्सव चल रहा है। आप बंबई से बाहर से है तो जरूर एक बार बंबई जरूर देखिएगा, पूरा गणेशमय हो जाता है। मेरे बंबई के जो व्यूअर्स हैं उनको मैं गणेश उत्सव की शुभ देता हूँ, बेस्ट विशेष देता हूँ मेरी। और गणेश पूजन करने से देखिए आपके प्रॉपर्टी के काम रुके हैं, आप कोई भी लग्न हो प्रॉपर्टी के काम रुके हैं तो देखिए इसमें गुड़ का दान करिएगा। जीवन में आपके आप ब्लड की डेफिशिएंसी से परेशान है, भाइयों के साथ के रिलेशन, भाई बहनों के साथ के रिलेशन से परेशान है, प्रॉपर्टी के कार्य से परेशान, तो गुड़ का दान करिएगा 19 सितंबर से 28 सितंबर में, पूरा तुलाभार कर दो तो भी अच्छा है, मतलब आपका वजन के हिसाब से पूरा जितना वजन है उतना गुड़ का दान आप कोई भी गणेश मंदिर में दे दो, कोई हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ दे दो या गौशाला में दे दो, जहाँ भी दे सको गुड़ का दान करो, आपका प्रॉपर्टी का काम अगर नहीं हो रहा है तो वो सेटल हो जाएगा। और 12 सितंबर से 27 12 सितंबर को प्रदोष है, भौम प्रदोष,
और 27 सितंबर को बॉम्ब प्रदोष। 27 सितंबर को बॉम्ब प्रदोष नहीं है, ट्यूसडे का प्रदोष है, इसके लिए बॉम्ब प्रदोष बोला जाता है। आप कर्ज से परेशान है, गणेश उपासना भी काम का है और शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा 12 सितंबर को। आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, आप बहुत परेशान होते हैं विचारों से, होते ही है, कैंसरियन सब ऐसे ही। 12 सितंबर और 27 सितंबर को भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा और अच्छा रहे। आपके मन का जो आपकी भावनाओं पर आप कंट्रोल नहीं कर पाते, सबको प्यार करते हैं और फिर उम्मीद भी करते हैं उनसे, वो गलत। देखिए अच्छा काम करके छोड़ दो, 12 तारीख और 27 तारीख को जलाभिषेक करिएगा, बेस्ट टाइम है आपके लिए पूजा करने के लिए। अमावस्या का मैंने बताया आपको, 14 और 15 तारीख को विष्णु सत्यनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। ये कर्मस्थान का राहु आपको येन केन किसी भी प्रकार से अक्टूबर 2023 के पहले कोई अच्छी जगह पहुंचाएगा। आप जो भी जॉबलेस है तो जॉब मिलना ही चाहिए, जॉब छूट गई है तो इसका मतलब है और अच्छी जगह आपका भगवान बंदोबस्त कर रहा है, इसलिए ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। बहुत अच्छे टाइम से गुजर रहे हैं, टेक द एडवांटेज। जॉब का भी अच्छा है टाइम, काम धंधे के लिए भी अच्छा है। आठवें स्थान में शनि अपने ही घर में है, ये भी अच्छा है। थोड़ा पत्नी के परिवार और आप, पति या पत्नी के परिवार और आपके परिवार के बीच थोड़ा आप स्ट्रेस अनुभव करेंगे। आपके स्पाउस के परिवार के मन में क्या चल रहा है ये आप नहीं जान पाएंगे आने वाले 2 साल तक, जब तक शनि आपके अष्टम में। तो बेस्ट टाइम है, एंजॉय करें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट देयर रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।